हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तो भाई इंडियन आर्मी की जो भर्ती है दो हज़ार तेईस से शुरू होगी उसका रिटर्न एग्ज़ाम पहले होगा सबको पता है तो भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सारी जानकारी दूंगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हाँ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इंडियन आर्मी की कोई भी अपडेट न्यूज़ होती है भर्ती आती है किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझ पर इंस्टाग्राम पर संपर्क भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम आई नीचे दी गई है और टेलीग्राम के आप चैनल पर भी आप सारे नोटिफिकेशन चाहे वो पंजाब का हो हरियाणा का हो कोई भी नोटिफिकेशन वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं मैंने सारे डाल दिए हैं तो भाई अभी करते हैं वीडियो शुरू तो भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे दो हज़ार तेईस में भर्ती में तो भाई सारे वीडियो ध्यान से देख ला बाद में बात बोलना कि मुझे डॉक्यूमेंट से निकाल दिया गया था तो भाई पहला सबसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे मैं बता दूँगा तो भाई ध्यान से देख लेना अभी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है तो भाई सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चाहिए एडमिट कार्ड पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड और दूसरा डॉक्यूमेंट है फ़ोटोग्राफ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए बीस कम से कम अगर आप सीखो ध्यान से बात सुनना जी अगर आप सीखो तो आपको बीस फ़ोटो पगड़ी वाली होनी चाहिए और बीस बिना पगड़ी के होने चाहिए जैसे कि पढ़ने में होने चाहिए जैसे पहली जो सरदार है जो भी ज, जितने भी जाट सिख हैं जो सरदार हैं उनको 20 फ़ोटो सिख वाली चाहिए और 20 फ़ोटो सिंपल पढ़ने में चाहिए ध्यान से सुन लो और भाई सबसे पहला डॉक्यूमेंट था कौन सा था एडमिट कार्ड और दूसरा था फ़ोटोग्राफ इसके बाद की बात करूँ तो भाई लिख लेना साथ साथ नहीं तो वीडियो दोबारा रिपीट करके करके देख लेना और भाई प्रोपर हेयर कट और शेप लिख ये देख लो मई तो मार पड़ेगी वहाँ पर बाद में मत बोलना फोटोग्राफ्स मस्ट बी प्रॉपर हेयर कट बिल्कुल क्लीन शेप होना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेड सिक कैंडिडेट जो कि पूरा मतलब साफ़ सुथरी पिक्चर आनी चाहिए आपका पूरा स्टाइल फिट होना चाहिए तो भाई इसके बाद ये देखो एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो भाई सबको पता है दसवीं का सर्टिफिकेट अगर आप जीडी की बर्ती देख रहे हैं तो दसवीं का सर्टिफिकेट अगर दूसरी भर्ती देख रहे हैं क्लर्क की दसवीं बारहवीं का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन की है वो भी लगाने हैं तो लगा सकते हो भाई दसवीं का प्लस टू का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके बाद अगला अगली बात भाई आपके पास आठवीं क्लास का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जे ध्यान से सुन लो आठवीं क्लास का भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ध्यान से सुन लो लोग दसवीं का ले जाते हैं आठवीं का कईयों के पास नहीं होता तो वहाँ जहाँ पे साफ साफ लिखा एक कि एथ क्लास की भी मार्कशीट जो कि आपने ट्रांसफ़र की है इशूड इज द बोथ सर्टिफिकेट शुड बी कंसनाइडेड बाई डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मतलब कि आठवीं का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए और इसके बाद भाई अगला भी सर्टिफिकेट सुन लो कौन सा चाहिए डोमिक्सलिन सर्टिफिकेट जो है है वो चाहिए फोटो फोटोग्राफ इशूड बाय तहसीलदार से इसका साइन हुआ होना चाहिए तहसीलदार की मोर लगेगी इस सर्टिफिकेट पे ये भी आप बनवा लेना हर एक को ज़रूरी चाहिए ये नया डॉक्यूमेंट है बहुत लोगों को नहीं पता भाई इसके बाद ध्यान से सुन लेना भाई इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप कौन सी जाति से हैं उसका सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी चाहिए ध्यान से सुन लो भाई कास्ट सर्टिफिकेट उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट भी चाहिए आप जि रिलीजन सर्टिफिकेट मतलब सिख हो हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो कौन से हो वो भी तहसीलदार के साइन यानी कि उसकी मोहर से बिना नहीं चलेगा भाई ध्यान से सुन लो इसके बाद भाई अगर आपको कंडी एरिया लगता है भाई कंडी एरिया जिस जिसको लगता है वो कंडी एरिया ज़रूर लगाना उसमें हाइट की भी छूट होती है जिसको कंडी एरिया लगता है वो कंडी एरिया सर्टिफिकेट बना के एस के सहन हुए होने चाहिए मतलब एस से टेस्टेड हुआ होना चाहिए ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एस डी एम से सहन हुआ हुए वही चलेगा सर्टिफिकेट जिसके जिस जो ओरिजिनल कंडी एरिया होगा वही चलेगा सिंपल नहीं चलेगा और इसके बाद भाई ध्यान से देख लो डोगरा कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसके पास डोगरा सर्टिफिकेट है तहसीलदार से टेस्टेड होना चाहिए वो भी डोगरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए तभी वो चलेगा वर्क करेगा इंडियन आर्मी में नहीं तो बाहर निकाल देंगे इसके बाद भाई जैसे कि हमने स्कूल का करैक्टर सर्टिफिकेट जैसे कि आपने दसवीं की है आपने स्कूल से प्लस टू की है तो वहाँ के करैक्टर सर्टिफिकेट आपका कैसा व्यवहार रहा है स्कूल में उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए भाई सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं सारे लिख लेना एक डॉक्यूमेंट भी घर रह गया जहाँ बनाया नहीं आपने तो भाई इंडियन आर्मी कोई रूल नहीं मानेगी आपका कि मैं यहाँ बोल गया यहाँ बोल गया आपको उसी टाइम बाहर निकाल दिया जाएगा इसलिए ध्यान से वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना और लिख लेना कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए और इसके बाद भाई करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए करैक्टर सर्टिफिकेट एक था पहले स्कूल का अभी चाहिए विलेज का सरपंच का आपके पिंड का करैक्टर सर्टिफिकेट और उसके बाद इंडियन आर्मी कहती है कि आप अनमेरिड होने चाहिए अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं मतलब आप ब्याहे नहीं हो सकते आपकी शादी नहीं होनी चाहिए तो अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपका एक चाहिए अगला डॉक्यूमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर अगर आपका फादर या ब्रदर आर्मी में है आपके पिताजी आर्मी में हैं जहाँ आपका ब्रदर आर्मी में तो उसका रिलेशनशिप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है अगर आपके ब्रदर जहाँ आर्मी में आपके पिताजी हैं तो आपको इंडियन आर्मी के रिलेशन का सर्टिफिकेट भी जरूरी चाहिए अगर नहीं है तो आपको नहीं ज़रूरत है तो भाई इसके बाद जिन लोगों ने भी एन की है उसके पास ए सर्टिफिकेट है बी है सी है तो भाई जिसके जिसने भी एन सी एक सर्टिफिकेट भी है उसके भी नंबर लगेंगे टेस्ट में इसलिए अगर आपने एन सी की है तो ज़रूर लगा लेना आगे बात करते हैं भाई स्पोर्ट्स के अगर आप कोई स्पोर्ट्स नेशनल गेम खेलते हो या डिस्ट्रिक खेलते हो तो भाई बहुत ज़रूरी है वो सर्टिफिकेट भी लगा लेना आपको वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको रिटर्न एग्ज़ाम में क्योंकि पाँच दस पंद्रह नंबर ज़रूर पड़ेंगे तो इसलिए स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर आप गेम करते हो आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में ज़रूर लगा देना अगले डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो भाई एफिडेट जो कि एक वकील से न्यूट्री जिसे बोलते हैं हम उसका दस रुपये का नॉन जो का स्टंप पेपर जो होता है उसके ऊपर भी एफिडेट का आपको दस रुपए के उसके ऊपर टिकटें लगेंगी सरकारी और वो एफिडेट भी आपको चाहिए तो भाई वो भी टेस्ट करवा लेना आप किसी वकील से सरकारी वकील से तो वो सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए जो कि दस रुपए का एक नॉन डिट स्टम्प पेपर एज़ पर जो कि एक एफिडेट होता है दस रुपये का निकलता है अभी तो इंडियन आर्मी ने जो सारे एफिडेट हैं जो वो दस रुपये का ही निकाल दिया है इसमें ही दिया होगा भाई उसमें ही निकल जाएगा मतलब इस जो नोटिफिकेशन में इसमें भी बताया गया नहीं तो आप जहाँ से मर्जी जहाँ पर आप फार्म भरोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो भाई अगली बात करें तो सर्टिफिकेट बोनस ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स मतलब आप पे आल औरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए भाई ध्यान से सुन लेना ये बात आल ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए भाई फ़ोटोज कापीज़ होनी चाहिए आपके पास और भाई पाँच पाँच चार चार फोटो कापी देना आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है भाई उसकी फोटो कापी जरूर होनी चाहिए नहीं तो बाहर निकाल देंगे और ये बहुत बड़ा अपडेट है भाई एक और बड़ा अपडेट ये है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर होना चाहिए पैन कार्ड नहीं बनाया तो भाई बना लो पंद्रह दस दिन में आ जाएगा घर इसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पहले नहीं मांगते थे, थे मगर अभी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी जरूर बहुत जरूरी चाहिए आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई केस नहीं चल रहा तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा भाई बना लेना नहीं तो बाहर निकाल देंगे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है सरपंच नगर सेवक रेजिडेंस प्रूफ आपके पिंड का आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पिंड का होना चाहिए कि आप इस पिंड के हो वहाँ पे सरपंच के सहन होंगे वहाँ पे सरपंच की मोहर लगेगी भाई यही सारे डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको चाहिए तो भाई कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है भाई जो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ एक बात और ध्यान से सुन लो सारे के सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हैं भाई जिसने नोटिफिकेशन में देखना है वो पढ़ सकता है नहीं तो वीडियो देख के सबको बता देना कि ये तो डॉक्यूमेंट चाहिए बना लेना नहीं तो भाई बाहर निकाल देंगे बाद में मत बोलना कि मुझे डॉक्यूमेंट से बाहर निकाल दिया और हाँ मैंने जैसे कि बताया हर एक सर्टिफिकेट की एक या दो एक तो तो नहीं तीन चार कापी चाहिए आपको हर एक सर्टिफिकेट की तीन तीन चार चार कापी करवा लेना हर सर्टिफिकेट की और बिल्कुल साफ़ कॉपी करवा लेना और जो सरदार लोग हैं ध्यान से सुन लो भाई जो सरदार लोग हैं उनकी बीस फ़ोटो पगड़ी में चाहिए और बीस पढ़ने में ध्यान से सुन लो और जो हिंदू हैं उन्हें सिर्फ बीस फ़ोटो सिंपल ही चाहिए जैसे कि वो बिल्कुल सिंपल फ़ोटो चाहिए बीस और जो भी सरदार है उनके लिए ध्यान से सुन लो बीस फ़ोटो पगड़ी में और बीस फोटो सिंपल होनी चाहिए ध्यान से सुन लो वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जय हिंद दोस्तों